आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी अरबी के पकोड़े। मैं क्रिस्पी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है ना। इसको मैं तोड़ के भी बताती हूँ, इसका जो क्रिस्पीनेस है आपको पता ही चल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है, मतलब तोड़ने के बाद में भी ये, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऑब्जर्व नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं ये इसका जो रीजन है, मतलब ये इतना क्रिस्पी क्यों है और इतना मतलब कि ऑयल फ्री क्यों है, इसकी जो टिप्स है वो मैं आगे में बताऊंगी। चलिए बनाते हैं अरबी के पकोड़े। अरबी पत्ते के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिए हैं ये अरबी के पत्ते हैं। ये मैं दो पत्ते ली हूँ, आप चाहे तो ज्यादा या कम भी ले सकते हैं। मैं ये दो पत्ता ली हूँ और ये दो पत्ते को क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इनको कट कर ले, जैसे नॉर्मली हम लोग पालक को कैसे कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कट कर ले। अरबी पत्ते को कट करने के बाद में इसकी हमको बैटर तैयार करना है। जैसे हम लोग नॉर्मली प्याज के जो भजे बनाते हैं या फिर पकोड़े बनाते हैं, तो उसके लिए कैसे हम लोग बैटर तैयार करते हैं प्याज डालकर, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी भी हम लोग बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए ये मैं ली हूँ, ये बेसन है, ये कम से कम हाफ प्लेट के करीब बेसन है, इसे डाले। इसमें ही हम लोग चावल आटा डाले हैं। चावल आटा आप जितना बेसन लिए है ना उससे थोड़ा ज्यादा चावल आटा ले, मतलब कि अगर हाफ हाफ प्लेट के करीब बेसन लिए हैं तो चावल आटा थोड़ा सा हाफ प्लेट से ज्यादा ले। ये देखिए मैं इस तरह से थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। बेसन और चावल डालने के बाद में इसमें ही ये हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाले, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च पाउडर डाले, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। इसमें ही स्वादानुसार नमक डाले। उसके बाद में ये नींबू है, ये मैं हाफ नींबू की रस डाल रही हूँ। आप कभी भी अरबी पत्ता के पकोड़े बना रहे हैं या फिर वड़ी बना रहे हैं तो उसमें खटाई जरूर डालें। उससे क्या होगा, ये जो अरबी के पत्ता है ना वो थोड़ा सा मुंह में खाने के बाद में खुजली होती है, ऐसा बोलते हैं, मुझे आज तक पता नहीं, लेकिन नॉर्मली होती है, हल्का सा खुजली होती है। तो ये जो खटाई है ना, ये डालने के बाद में वो जो खुजली है वो नहीं होती, तो खटाई डालना इसमें बहुत जरूरी है। आप चाहे तो नींबू के रस डाल सकते हैं या फिर ये दही है, दही भी डाल सकते हैं। अगर आप नींबू के रस डाल रहे हैं तो दही डालने की जरूरत नहीं है, और नींबू के रस नहीं डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा दही डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैं एक नींबू का रस डाल रही हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, अगर खुजली हो गई तो फिर बाद में कोई खाएंगे नहीं ना, ये फिर मुझे फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ थोड़ा सा ज्यादा नींबू का जो रस है वो डाल रही हूँ। लेकिन ज्यादा भी ना डालें ताकि आपके जो पकौड़े है वो बिल्कुल खट्टा खट्टा लगे, थोड़ा कम ही डालें। मतलब कि अगर आप इतना बना रहे हैं, मतलब कि कम से कम 2 से 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो एक नींबू का रस डाल दें। उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। मैं सभी आटे और जो अरबी के पत्ते हैं जो हम लोग कट करके रखे थे, मतलब कि कट करके डाले हैं, उसको सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही थोड़े थोड़े करके पानी डालें और इनकी बैटर तैयार करना है। जैसे हम पकोड़े की बैटर तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बैटर तैयार करना है। ये देखिए हमारी जो बैटर है वो तैयार हो गई है। इस तरह से आप बैटर बना ले। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मोटा है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी पतला कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ही बैटर अच्छा लगता है, मतलब कि ज्यादा अच्छा लगता है। ये बैटर तैयार करते वक्त हम लोग चावल आटा की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लिए हैं। इसलिए ज्यादा लिए हैं क्योंकि चावल आटा से क्या होती है, आपकी जो पकौड़े हैं उसमें बहुत ही ज्यादा क्रिस्पीनेस आती है, और दूसरा रीजन ये है कि आप जब इसे तलोगे तो तेल बहुत ही कम लगेगी, इसलिए हम लोग चावल की आटा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डाले हैं। हमारी बैटर तैयार हो गई है, उसके बाद में हम लोग इसको तल लेंगे। तलने के लिए मैं पहले ही गरम करने के लिए तेल रख दी थी। तेल जो है हमारे अच्छी तरह से गरम हो गया है। तेल गरम हुआ या नहीं चेक करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए। देखिए इस तरह से बैटर है, इसे डाल के देखिए। बैटर जो है वो तुरंत ही पैर के ऊपर आ रहा है, मतलब कि ये देखिए इस तरह से, मतलब कि आपके जो तेल है बिल्कुल परफेक्ट गरम है पकौड़ा तलने के लिए। ये देखिए इसको निकाल ले और पकौड़े को डाल दे। देखिए हमारी जो बैटर है वो हम पहले से ही बना के रखे थे, इसको डालें, थोड़े थोड़े डालें। देखिए इस तरह से जैसे हम नॉर्मली पकोड़े डालते हैं ना, वही बिल्कुल उसी तरह से ये भी पकोड़े डालें। देखिए इस तरह से डालने हैं। हमने पूरे पकोड़े जो है वो डाल दिए हैं। उसके बाद में इनको पलट ले, देखिए इस तरह से पलटना है। और ये
पकोड़े को तलते वक्त क्या करना है, गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई ही रखना है, हाई गैस में ही इन्हें तलना है। ये देखिए इस तरह से निकाल लें, देखिए ये जो हम पहले डाले थे ये थोड़ा सा पक गया है और ये दिखने में देखिए कितना सुंदर और कितना डिलीशियस लग रहा है। मतलब कि आप ये पकोड़े खाने के बाद में ना मुझे लगता है कि आप जो पकोड़े रहती है ना प्याज के पकोड़े वो खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से आती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। ये देखिए हमारे पकोड़े में हल्का ब्राउन कलर आ गया है, इस स्टेज में आने तक पकोड़े को तले, उसके बाद में इन्हें निकाल ले। ये जो पकोड़े है ना वो इतना क्रिस्पी बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए आप आवाज सुन रहे होंगे, मैं आपको आवाज सुनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए पकोड़े को निकालने के बाद में बाकी के जो पकोड़े हैं उन्हें भी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग तल लेंगे। हमारे जो अरबी के पकोड़े हैं वो सभी तलकर हो गया है और इसे मैं सर्व भी अरबी के पत्ते में ही की हूँ, क्योंकि ये दिखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कि एक अलग ही लुक आ रहा है अरबी के पत्ते के साथ में। ये जो पकौड़े है वो इस तरह से आप पकौड़े बना ले और इसकी क्रिस्पीनेस मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है ना, मतलब कि आप ये इसकी आवाज सुनकर सोच सकते होंगे कि कितना ये जो पकौड़े वो क्रिस्पी बना है। ये सिर्फ किसके वजह से बना है, चावल आटा हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डाले हैं उसके वजह से बना है। इस तरह से आप पकौड़े बनाए खाए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।